मुजफ्फरपुर के बरुआरी जो दरभंगा मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे पर स्थित है, 40-45 किलोमीटर की दूरी पर आज चौथा नेशनल आइन बॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे और परेड का भी आयोजन हुआ। 18 राज्यों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, 25 देशों में खेला जाता है और ओलंपिक में भी शामिल करने की कोशिश की जा रही है, तैयारियां की जा रही हैं। बहुत ही बढ़िया और सुंदर मौका मिला मुजफ्फरपुर को इस आयोजन के सफल बनाने का, और इसे सफल बनाने की पूरी कोशिश की है आयोजनकर्ता अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रंजन ने। आज कई मैचों के आयोजन हुए और जिसमें असम, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और गुजरात, उत्तराखंड के मैच खेले गए। और इस इलाके में ये खेल कम खेला जाता है, तो आसपास के लोगों में उत्सुकता थी खेल के बारे में जानने की, इसके नियमों को जानने की। इस अवसर पर सांसद वीणा देवी, अजय निषाद, एमएलसी दिनेश सिंह के अलावा इस खेल से जुड़े और अन्य अतिथि मौजूद रहे। हमने भी यह खेल खेलते हुए कभी देखा नहीं था लाइव अपनी आंखों से, तो आज देखने का मौका मिला और अच्छा भी लगा। और यह भी जानकर खुशी हुई कि एक ही परिवार के कई कई खिलाड़ी भी एक ही टीम में खेल रहे थे, तो यह भी एक अच्छी बात थी। और उम्र की सीमा नहीं थी, हर उम्र के खिलाड़ी एक टीम में थे। यह सब अच्छी बात दिखी इस खेल की। आप सब भी इस खेल के बारे में ज्यादा जानें और अधिक से अधिक खेलने की कोशिश करें और प्रतियोगिता के मैच देखने जरूर बरुआरू आ जाएं और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। बिहार के लिए गौरव की बात है कि इस तरह के आयोजन करने की का मौका मिला है और आगे भी इस तरह के आयोजन होंगे। यह इस आयोजन की सफलता पर निर्भर करेगा और यह आयोजन भी सफल होना निश्चित है, लोगों की अपार भीड़ को देखकर, साथ ही आयोजनकर्ताओं के उत्साह को देखकर। ट्रॉफी का अनावरण पहले ही हो चुका है और ट्रॉफी के पास सभी अतिथि फोटो खिंचवाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। इसके बाद आप देखिए खिलाड़ी किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह गोल पोस्ट है, दोनों तरफ होता है। पहले मैच के थोड़े से अंश और भी मैच के पूरे वीडियो देखेंगे हमारे चैनल पर और हमारे वेबसाइट पर। फोटो और अधिक जानकारी भी www.goalpost.in.go.in।